हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक केक की रेसिपी जो बहुत ही यमी है और क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसे हॉलीडेज में बनाकर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं अपने हॉलीडेज। यहाँ पर मैंने जो केक बनाया है वो एल्कोहल के साथ है। आप अगर एल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसे ऑरेंज जूस के साथ भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स एल्कोहल के साथ डिप किए जाते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। इस प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर कैनबरीज ली हैं, साथ ही डेट्स लिए हैं वो चॉप कर लिए हैं, रेजिन्स ली हैं, साथ ही टूटी फूटी ली है और ब्रांडी ली है। एक बाउल में हम ब्रांडी लेंगे 3 बड़े चम्मच, साथ ही जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उन्हें हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे आप जितना लंबा सोक करके रखें उतना ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि वन वीक तक आप इसे सोक करके रख पाएं तो ये सारा एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें अल्कोहल। और इसे जब भी करें तो एक ग्लास बोल में करें या ग्लास जार में, तो उसे मिक्स करके कवर करके रख देंगे और जब हमें केक बनाना है तो इसे यूज कर सकते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के आसपास बटर लिया है। आप कोई भी बटर ले सकते हैं, साथ ही इसमें शुगर जाएगा, ये भी 100 ग्राम के आसपास ही जाएगा। इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। शुगर और बटर को हम मिक्स कर लेंगे। अगर अभी सर्दियों की वजह से बटर थोड़ा हार्ड है तो आप इसको स्पून की हेल्प से इस तरह मेल्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसे बीटर की हेल्प से करेंगे। साथ ही इस केक में हम 3 एग यूज कर रहे हैं तो इसे 1 by 1 डालेंगे और इसे विस्क करेंगे ताकि ये सारी चीजें एक साथ मिक्स हों धीरे धीरे। बाकी के 2 एग भी मैंने डाल दिए इसमें और अब इसे क्रीम करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम बटर, शुगर और एग को एक साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह का क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी यूज करेंगे तो मैंने यहाँ पे नटमेग लिया है, साथ में सिनेमन पाउडर लिया है, ये चुटकी चुटकी भर दोनों ही लिया है मैंने, साथ में वनीला एसेंस, ये इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें जो हमने ये सोक करके रखे हैं ड्राई नट्स वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें जो फ्लावर है वो हम सीव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, साथ में 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसे सीव कर लेंगे। इसमें इसे आप 2 या 3 बार सीव कर सकते हैं, उससे अच्छे से ये एरी हो जाता है। तो इसे डायरेक्टली अब बैटर में करेंगे सीव और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे फोल्ड एंड कट मेथड से कर सकते हैं। और इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे, साथ में लेमन जिस्ट, लेमन की जो कवरिंग होती है उसे हम हल्का हल्का इस तरह ग्रेट कर लेंगे। व्हाइट वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, उससे कड़वापन आ जाता है। तो इस तरह सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। साथ ही इसमें हम ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कैशू और आलमंड लिए हैं जिन्हें ड्राई फ्लावर से कोट कर लेंगे ताकि वो ऊपर रहें, बैठे नहीं नीचे बैटर में, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आप डालना चाहें। ऑलरेडी इसमें हमने कैनबरीज वगैरह डाली हैं
तो मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। और दोबारा से इस बैटर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बैटर हमारा काफी अच्छा हो गया है। अब इसे एक टिन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए टिन में से टैप कर लेंगे इस तरह। और माइक्रोवेव हमने 180 डिग्री पर प्रीहीट करने रखा हुआ है, तो जैसे ही वो प्रीहीट होता है हम उसमें इसे शिफ्ट कर देंगे। ये हम माइक्रोवेव में रख दिया है, इसे 1 आवर के लिए मैंने बेक किया है। या बीच में चेक करते रहिएगा, आपका 40 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव। और ये ऊपर से काफी क्रिस्प और अंदर से काफी सॉफ्ट होता है, तो इसे अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए काफी अच्छा इसमें क्रश आया ऊपर से। इसे थोड़ी देर ऐसे ही वायर रैक पे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद ये काफी सॉफ्ट निकलता है। ये देखिए इस तरह इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हैं और काफी टेस्टी है ये, और काफी स्पॉन्जी बना है। तो आप इस विंटर ये जरूर ट्राई करें, काफी यमी केक है। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, और न्यू ईयर आने वाला है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।